बाबा रामदेव हो या कोई भी हो, ओपन मंच है शाहीन बाग का, कोई भी आ सकता है, हम उसका वेलकम करेंगे और बहुत खुशी खुशी आए लोग और आते भी हैं, आए और हमें हौसला दें और जो औरतें हमारी बहनें और माएँ बैठी हैं उनको हौसला अफजाई करें उनके लिए और उनको चार शब्द बोले उनके उनकी जो हिम्मत है उसके लिए और सबका वेलकम है यहाँ पे, सबका खैर मकदम है, जो आना चाहता है ओपन मंच है, कोई भी आके बोल सकता है, कोई ज़रूरी नहीं बाबा रामदेव, मैं तो कहती हूँ पीएम सीएम जो आना चाहते हैं वो आएँ, मोस्ट वेलकम। जहाँ तक मेरी समझ है कि जिस तरह से बाबा रामदेव के लिए बोला गया है और बाबा रामदेव ने इच्छा जाहिर की है कि वो शाहीन बाग आना चाहते हैं, तो जो है शाहीन बाग आने में हम उनका बिल्कुल इस्तकबाल करते हैं पूरी तरह से कि उनको आना चाहिए, वो क्या बातें रखते हैं, किस तरह से हमारे लिए सीए एनआरसी पे बात कर सकते हैं और सरकार को सरकार से बात करके अगर कहीं पे बीच का मीडिएशन वो जारी कर सकते हैं तो बिल्कुल हम उनका इस्तकबाल करेंगे, मगर क्या वो किस तरह की गवर्नमेंट से हमारे के बीच में मीडिएशन करते हैं वो एक अहम मुद्दा है, क्योंकि हम तो मेन हमारा टारगेट ये है कि सरकार का कोई मंत्री या कोई प्रवक्ता आए जो कि हमें ये तसल्ली दे कि हम जो है इस सीए और इसके एनआरसी एनपीआर के ऊपर मीडिएशन करके इसमें इसको चीज़ों को हम बदल सकते हैं, इसका ऊपर ज़्यादा बात करनी चाहिए हमें, उनका हम इस्तकबाल करते हैं। हेलो।